हेलो एवरीवन वेलकम बैक मेरा नाम है शिवान और आप देख रहे हो इंजीनियरिंग वाला भैया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं नाउ डिज व्हाट आर जॉब ऑफ माय माई इन ऑन माय इंस्टाग्राम डीएम एम एज वेल एज ऑन माय व्हाट्सएप डीएम पीपल्स आर सेंडिंग अ मैसेज सर माय रिज्यूमेज आर नॉट गेटिंग शॉर्ट I'm not getting an interview call. And when I ask, okay, send me your resume once. Send me your GitHub profile once. And when I show those resume, you can check it out one example here. What do you think? If you are going to add a Jupyter notebook kinds of projects in your resume, you will get the interview calls. Just tell me honestly, guys. Nowadays, आउट ऑफ हंड्रेड पीपल्स नाइन्टी नाइन और आई कैन से नाइन्टी फाइव पीपल्स दे आर लर्निंग डजेंट मैटर दे आर कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और नॉन टेक बैकग्राउंड और दे आर अस एवरी वन नाउ डेज लर्निंग अ डेटा साइंस सो क्या लगता है आपको अगर आप अपने रिज्यूमे में जुपिटर नोटबुक प्रोजेक्ट ऐड करते हो तो क्या चांसेस है आपको इंटरव्यू कॉल्स आने का और आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होने का राइट सोनाउ डीज एवरी एवरीवन स्ट्रगलिंग विद द ईमेल पाइपलाइन उनको पता ही नहीं है कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है उनको जस्ट इतना पता है कि ठीक है अगर मुझे जुपिटर नोटबुक में फीचर इंजीनियरिंग करना आ गया मॉडल को सेव करना आ गया देन आई एम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आई नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस बट नहीं भाई ये रियलिटी नहीं है मशीन लर्निंग का फुल फ्लेज सिस्टम बिल्ड करने के लिए आपको पाइपलाइन बिल्ड करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक में पाइपलाइन बिल्ड नहीं होता है अगर आप जुपिटर नोटबुक में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या लगता है आपको कंपनी के पास अदर ऑप्शन नहीं है डेज चैट जी है हमारे पास चैट जी की हेल्प से कंपनी इजीली कोई भी जुप्टर नोटबुक जैसा प्रोजेक्ट बना सकता है बट उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि कंप्लीट मशीन लर्निंग पाइपलाइन बिल्ड कर सके कंप्लीट मशीन लर्निंग सिस्टम बना सके राइट सो डैट वाई टूडे आई कम अप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बूट कैंप वे वी आर गोइंग टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन नाउ लेट्स लेट टू अंडरस्टैंड वट ऑल दो थिंग्स डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बूट कैंप कोर्स सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है So, अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं अगर आपके रिज्यूमे में सिर्फ जुपिटर नोटबुक प्रोजेक्ट है और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहा है फिर यह कोर्स आपके लिए अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास सिर्फ पाइथन और मशीन लर्निंग बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है और आप फुल फ्लेज मशीन लर्निंग का अप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो देन दिस कोर्स फॉर यू नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट कोर्स डिटेल्स So, इस प्रोजेक्ट में हम लोग कंप्लीट ट्वेल्व इन टू इन प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स प्रोजेक्ट से बेसिक्स जुपिटर नोटबुक प्रोजेक्ट से बिकॉज वाट आई ऑब्जर्व इन माई प्रीवियस बैचेज मेनी पीपल्स दे आर स्ट्रगलिंग विथ हाउ टू डू ए फ्यूचर इंजीनियरिंग कब कौन सा टेक्निक किस टाइप के डेटा सेट पर अप्लाई करना है वो चीजें कंप्लीटली उनको आइडिया नहीं है सो डैर्स वाई आई एडेड डेड थ्री टू फोर इन टू इन जुपिटर नोटबुक प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेज मशीन लर्निंग अप्लीकेशन बिल्ड करना फुल फ्लेज मशीन लर्निंग सिस्टम बिल्ड करना अब चलो समझ लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होगा ठीक है सो so, अगर मैं बात करूँ व्हाट यू बी लर्न सो सबसे पहले सिस्टम आर्किटेक्चर किस टाइप से आप कंप्लीट आर्किटेक्चर बिल्ड करोगे किसी भी टाइप का डेटा साइंस प्रोजेक्ट का हाई लेवल डिजाइन प्रोजेक्ट कंपोनेंट सिलेक्शन ईमेल पाइपलाइन अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन इंटरफरेंसेस पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन रीट्रेनिंग पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ ई मेल पाइपलाइन ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म मोनिटरिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन को सा प्रोजेक्ट है सो so, प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं कोर्स कंटेंट का बात करूँ सो so, हम लोग स्टार्ट करेंगे जुपिटर नोटबुक प्रोजेक्ट से जहाँ पे थ्री प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट होटल बुकिंग प्रिडिक्शन कंक्रीट स्ट्रेन प्रिडिक्शन डिलीवरी टाइम प्रिडिक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट ईमेल सिस्टम कंप्लीट ईमेल पाइपलाइन तो उसमें हम लोग सेवन टू एट प्रोजेक्ट करने वाले हैं स्टार्ट करेंगे ई आई बेस्ड प्रिडक्टिव मैंटेनेंस सिस्टम जो कि हमारा फर्स्ट ई पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा ई पाइपलाइन सिस्टम होगा सेकेंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन थर्ड ई आई वेस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम इफ आई टॉक अबाउट द कम्प्लीट डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट स्वेजू कंसी ईयर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग से यूज केसिस सिस्टम आर्किटेक्चर कंपोनेंट सेलेक्शन डिप्लोमेंट आर्किटेक्चर ईमेल पाइपलाइन एक्सप्लेनेशन ट्रेनिंग पाइपलाइन रीट्रेनिंग पाइपलाइन इंट्रोडक्शन टू ट्रेनिंग पाइपलाइन ट्रेनिंग पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन डेटा इंजेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज लाइक क्लाउड डेटा बेस रिपोजिट्री और फ्रॉम द लोकल सिस्टम डेटा वेलीडेशन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ट्रेनिंग मॉडल इवेल्यूएशन मॉडल पुशर कंप्लीट फुल फ्लेज अप्लीकेशन बिल्ड करेंगे हम लोग सो so, जैसे कि आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो सो so एक प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इतने सारे हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन सेम फॉर फ्रॉड ट्रांजेक्शन इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ई आई एस रिकमेंडेशन सिस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम सिपमेंट अराइवल सिस्टम उसके बाद लास्ट जो हमारे पास मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है कस्टमर पर्सनैलिटी एनालिसिस सो टोटल कंप्लीट फुल फ्लेज हम लोग बिल्ड करेंगे मशीन लर्निंग का अपार्ट फ्रॉम दिस डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट में हम लोग एंड कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पे भी डीप लर्निंग में टू प्रोजेक्ट्स होगा फर्स्ट जो होगा क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट होगा एंड सेकेंड टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट द ऑफ्स से ऑफ्स में भी कंप्लीट पाइपलाइन डिस्कस होगा

टूवेल्व प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में इफ आई टॉक अबाउट द क्लास टाइमिंग सो एवरी सैटरडे एंड संडे वी हैव अ क्लास 2 पी एम टू फोर पी एम आफ्टर द क्लास वी हैव अ डाउट सेशन अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन आस्क यू डाउट एनी टाइम मॉर्निंग टेन ए एम टू टिल टूवेल्व ए एम जो क्लासेस होगा ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है क्लास स्टार्ट होगा हमारा थर्टींथ मई से इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स सो so फीचर्स में हमारे पास लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल किया जाएगा आफ्टर द क्लास सो डेट कि अगर आप क्लास मिस करते हो आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिले प्लेसमेंट असिस्टेंस सो आपको जॉब नोटिफिकेशन दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन रिज्यूमे बिल्डिंग मॉक इंटरव्यू टूवेल्व इन टू इन मशीन लर्निंग पाइपलाइन यूज केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ आई टॉक अबाउट द कोर्स फी सो कोर्स फी बहुत ही अफोर्डेबल है वट आई बिलीव क्वालिटी विथ एफोर्डेबिलिटी सो डैट्स वाई अभी जो कोर्स का फी है टू थाउजेंड कोर्स का फी है टिल अप्रैल फर्स्ट मई को कोर्स का फी इंक्रीज करके फाइव थाउजेंड कर दिया जाएगा सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर यू कैन रीच आउट टू माई नंबर डायरेक्टली चिक इट आउट माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस बुट गेम गाइड्स शी यू इन लाइव क्लासेस थैंक यू